चला तो जाता, लेकिन अगर तुम फिर से डर जाती तो इसलिए ये सेनापति सारी रात यहाँ पर पहरा देता रहा ताकि ये महारानी महफूज रह सके। छुट्टी कैसे ले सकते हैं? इतना सारा काम है, तुम्हें भी पता है, तुम खुद आई थी ना सुबह सुबह मेडिकल विंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तुम्हारी जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। God bless you. Thank you. जब आप अपना काम एंजॉय करने लगे तो वो काम जिम्मेदारी नहीं लगती। और भोसले इंस्टीट्यूट के लिए कुछ भी करना मेरे लिए गर्व की बात है। अगर ऐसा है तो तुम भोसले इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरिस जाना चाहोगे? पेरिस? हाँ, एक्चुअली पेरिस से हमारे इंस्टीट्यूट को सेमिनार अटेंड करने के लिए इनविटेशन आया। हम दोनों साथ में चलते हैं और वहाँ पे जो भी लर्निंग होगी हम यहाँ पर आके हमारे कॉलेज में इंप्लीमेंट करेंगे। वाओ, पेरिस! तुम्हें याद है हम लोग अपने हनीमून पे भी पेरिस जाने की सोच रहे थे। I'm sorry, वो अचानक से ऐसे निकल गया। It's okay. सर भी तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, पानी है मेरे पास। आप प्लीज गाड़ी साइड पर रोकेंगी, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। वॉक करके क्यों जाओगी? अब वो कुछ स्टेशनरी खरीदनी है सर, तो मैं चली जाऊंगी। सर और रीवा मैम अगर पेरिस जा रहे हैं, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है और झूठ बोल के गाड़ी से उतर गई हूँ? पता नहीं क्या ही हो रहा है। भाव एक आइसक्रीम देना।